हमीरपुर में किताब बेचने के मामले में प्रधान अध्यापक हुए निलंबित। आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को मुस्करा ब्लॉक के मिलिया गांव स्थित कन्या जूनियर स्कूल में प्रधानाचार्य द्वारा कबाड़ी को किताबें बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी जांच पूरी होते ही बीएसए ने प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया। बीएसए सतीश कुमार ने बताया कि पिछले गुरुवार को इमिलिया गांव स्थित कन्या जूनियर स्कूल के प्रधानाचार्य जयचंद सरकारी किताबें कबाड़ी को बेच रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर गांव के कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति को बेचे जाने का विरोध कर वीडियो बना लिया। साथ ही ग्रामीणों ने वीडियो को बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी व सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। बताया कि मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी समर सिंह को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक जयचंद्र को निलंबित कर दिया। कार्रवाई की जा रही है। ये कि यूपीएससी मिलिया विकास क्षेत्र मुस्करा का मामला है, जिसके प्रधानाचार्य श्री जयचंद द्वारा किताबें बेचने का प्रकरण सामने है। मैं वहाँ से भी निरीक्षण किया हूँ जाकर के, और उस पर जो भी कार्रवाई की जा रही है उच्च अधिकारियों को ये बताते हुए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जाँच में क्या सामने आया? जाँच में ऐसा समझ आ रहा है कि किताबें बेची गई हैं और उसकी गहन जाँच की जा रही है। जो भी होगा उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता शीतू सेंगर की रिपोर्ट।